हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो आप सब के लिए खास होने वाली है, जो माल्टा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो बिना एजेंट के अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए, जो एजेंट जिन्होंने अप्लाई किया है एजेंट के थ्रू उनके लिए, और जो माल्टा में जॉब कर रहे हैं या चले जा चुके हैं उनके लिए भी। तो इसी वीडियो में आपको बताऊँगा माल्टीज गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम जिसमें कि आपको 5 दिन में ही आपको रेजिडेंस परमिट या फिर वर्क परमिट मिल जाएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आपको ये मिल सकता है, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको इसी वीडियो में मैं आपको कुछ वेबसाइट्स जिनके थ्रू आप लोग सर्च वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप वर्क या जॉब ढूंढ सकते हो माल्टा में, वो बताऊँगा। 16 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मैंने ढूंढी हैं, और उसके अलावा 3 ऐसी टॉप वेबसाइट्स रहेंगी जो मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनके थ्रू यहां पर माल्टा में जॉब सर्च कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माल्टीज गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि इन्होंने लॉन्च की थी, वो है की एम्प्लॉय इनिशिएटिव, यानी जिसको कि की बोलते हैं, और ये लॉन्च की थी इन्होंने एज एक फास्ट ट्रैक सिंगल परमिट स्कीम है। आइडेंटिटी माल्टा एजेंसी ने ये स्कीम लॉन्च की थी, जो कि एक फास्ट ट्रैक सर्विस है, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड TCN यानी कि थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए है, और जो कि एम्प्लॉयड हैं माल्टा में। अब इसकी मैं आपको एलिजिबिलिटी भी आगे बताऊंगा और प्रोसीजर भी बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहना एंड तक। जो ये स्कीम है ये इसके अंडर आपको वर्क या फिर रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा विद इन 5 डेज, या मैं आपको बता चुका हूँ, जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, ठीक है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये एप्लीकेबल है मैनेजेरियल या फिर हाईली स्किल्ड या हाईली टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनके लिए, जिनके पास की रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो और क्वालिफिकेशंस हो। एप्लीकेंट जिसको भी इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है उसको सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपैट्रिएट यूनिट को देनी होती है। इसकी एक कंडीशन ये है कि इसमें आपको अपनी जो एनुअल ग्रॉस सैलरी है वो कम से कम 30,000 यूरो पर एनम, यानी कि पूरे सालाना की 30,000 यूरो होनी ही चाहिए, और आपके जितने भी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस है ये आपको शो करना होगा, सर्टिफाइड कॉपीज़ उनकी, ठीक है। और साथ में जो आपका एम्प्लॉयर है उसका डिक्लेरेशन कि वो आप जो भी आपको ड्यूटीज़ वहाँ पर दी जाएंगी उनके लिए आप लोग एलिजिबल हो, ये डिक्लेयर करना होगा एम्प्लॉयर को। और मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें भी मैंने बताया था कि आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी प्रूफ ऐसा शो करना होता है जिसमें कि आपको ये शो करना होगा कि आपने वहाँ पर रहने का कोई भी प्रॉपर्टी रेंट या फिर परचेज की है, ठीक है, उसका प्रूफ आपको यहाँ पर शो करना होता है। द की इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू इनोवेटर्स इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स विच आर स्पेसिफिकली एंडोर्स्ड बाय द माल्टा एंटरप्राइज। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की, कि कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर इसका रहेगा। तो इसमें है एप्लीकेशन फॉर अ सिंगल परमिट अंडर द की मे बी सबमिटेड वाइल द एप्लीकेंट इज फिजिकली इन माल्टा और स्टिल एब्रॉड, यानी कि आप अगर माल्टा में हो तभी आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो, या फिर अगर आप एब्रॉड हो किसी भी लोकेशन में हो तो आप वहां से भी इसके लिए सबमिट कर। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट होगा उसको रेजिडेंस परमिट या फिर वर्क परमिट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि 1 साल का होता है, और इसको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है 3 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए। और इसमें भी एक कंडीशन है कि इसमें भी आपको जब आप एक्सटेंड करोगे तो आपको वैलिड डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होगा आपका, और आपका जो एनुअल टैक्स का है डिक्लेरेशन फॉर्म वो साइन किया हुआ जो कि अथॉरिटी है वहाँ की उनके द्वारा दिखाना हो। अब बात करते हैं 16 उन वेबसाइट्स की, सर्चिंग वेबसाइट्स की जिन पर कि आप जॉब अप्लाई कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो माल्टा के लिए। अब बात करते हैं इन 16 जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स की जहां पर आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हो माल्टा में। तो ये हैं कैस्टेलिया रिसोर्सेज, पेंटासिया, सीक रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन, बोस्टन रिक्रूटमेंट, स्कैंडिस्टैफ,
क्रॉस बॉर्डर कंसल्टिंग, PR माल्टा, ट्रिपल थ्री ग्रुप, आई गेमिंग इलाइट, अर्चर स्पेशलिस्ट रिक्रूटमेंट, क्रॉस रोड्स, क्वाड कंसल्टेंसी, मुआवो, वैकेंसी सेंटर, मिस्को माल्टा और RMA रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये हैं 16 ऐसी सर्चिंग वेबसाइट जिन पे कि आप जॉब सर्च कर सकते हो और माल्टा में जॉब पा सकते हो। उसके अलावा अभी मैं तीन टॉप या फिर जो रिकमेंडेड होती हैं तीन, वो आपको बताने वाला हूँ। सर्चिंग वेबसाइट वो है jobsinmalta.com। अगर आप इस पर देखोगे तो बहुत सारी जॉब्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। दूसरी है कनेक्ट सर्च और लास्ट है मैनपावर माल्टा। तो ये तीन वेबसाइट्स हैं जिन पर कि आप देख सकते हो अपने लिए जॉब्स और फ्रीली अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हैं जेन्युइन वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पर विजिट कीजिए, देखिए इनको और अप्लाई कीजिए अगर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। ठीक, इसके अलावा जो की का फॉर्म है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के साथ साथ। और जो माल्टा का या फिर शेंगेन वीज़ा फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी मैं आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ जो चेकलिस्ट होती है माल्टा डॉक्यूमेंट्स की, वो भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो है जॉब्स ओवरसीज फॉर यू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।